कोनींदासीं ऐं हिकिड़े अहम इशू ते मां जेको हींअर कमेंट करणु चाहियां थो। हींअर मां रस्ते में हुयुसि ठटे सजावल जे त ख़बर पई त नए देरे मोर ते रते देरे वटि ॿिनि टिनि पठाणनि खे क़तल कयो वियो आहे। हाणे सवाल इहो आहे त मुतज़ाद ख़बरूं आहिनि। हिकिड़ा माण्हू चवनि था त हू सिंधी पठाण क़दीमी राहकूअन मदे जी जा ऐं सिंधी पठाणनि रुगो नालो पठाण शनादी कार्ड में लिखियल आहे बाक़ी आहिनि सिंधी स्पीकिंग। जेकॾहिं ही सिंधी स्पीकिंग आहिनि क़ाबिले मज़मत आहे, पर जेकॾहिं पश्तो स्पीकिंग जेकॾहिं पश्तो हुजे हा त उहो बि क़ाबिले मज़मत आहे। असां कंहिं बि तरह बेगुनाह इंसाननि जो क़तल नथा हिते चाहियूं ऐं कंहिं वाक्य जे रदे अमल में असां शहीद इरशाद रांझाणी जे खून सां इंसाफ़ ॾियारण लाइ कानूनी ज़िमेवार त आया आहियो। को ज़ाती दुश्मनी जो कंहिं कर्ज़ जो कंहिं व्याज जो इशू आहे जंहिंजो ही मौके जो फ़ाइदो वठी इरशाद रांझाणी जे वाक्य जो ऐं टेम्पटेशन ॾिसी ऐं इहो हमिलो करे वारदात खे लिकाइण जी खून हज़म करण जी कोशिश थी आहे या वाकई ही जेको आहे कंहिं ईअं जज़्बाती नौजवान निकिरी ऐं फायर करे ऐं मारे विधो आहे। जेका बि सूरत आहे उन उहा क़ाबिले मज़मत ऐं हर सूरत में उहे माण्हू गिरफ़्तार थियनि। पुलिस सरगर्म थिए, तहक़ीक़ात थिए, उहे माण्हू गिरफ़्तार थियनि ऐं सिंध में अहिड़नि वाक्यनि खे न दोहरायो वञे। सिंधी माण्हुनि खे पंहिंजे सियासी शौर जो मुज़ाहिरो करणो आहे, समझदारी सां मुज़ाहिरो करणो आहे। असीं तमामु बेवसी जी कैफ़ियत में आहियूं, एज़ अ नेशन कमज़ोर आहियूं, बेवसी जी कैफ़ियत में आहियूं। अञा एमकेएम जे दहशतगर्दन ऐं मुहाजिर नसल परस्ती मां असां मस जिंद छॾाई आहे। वरी जेकॾहिं पश्तून नसल परस्त जे बुनियाद ते सिंधी पश्तून जहिड़ा विच में पवनि था त अलाए किथे वञी सूरत हल अथनि पिया। इन करे असां वरी कंहिं नसली कशीदगी में नथा फासणु चाहियूं। असां हिननि महकूमनि सां ऐं ही मक़तूल जेके बि बेगुनाह मारिया विया आहिनि उन्हनि सां हमदर्दी जो इज़हार कयूं था, उन्हनि खे पंहिंजो सम्झूं था, हुकूमत खां मुतालबो था कयूं त हिन जी फौरी तहक़ीक़ात करे ऐं कातिलनि खे गिरफ़्तार करे उन्हनि खे कैफ़े खे था कनि। मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां। सर उर्दू मीडिया के हवाले से सारे उर्दू चैनल देखो, बात यह है कि आज जो रतो देरो में वाक्या हुआ है, रतो देरो का वाक्या किसने किया ये फिल फोर्सन के लोग जानना चाहते हैं। कतई इस वाक्य को इरशाद रांझाणी के कत्ल का रद्द अमल न गिरदाना जाए न समझा जाए। हम इरशाद रांझाणी के खून के इंसाफ के लिए सियासी और अदालती जंग लड़ रहे हैं, पुरमन मुजाहरे कर रहे हैं। जो भी इस वाक्य का बहाना लेकर दहशतगर्दी करना चाहता है या सिंध में नस्ली लसानी फसाद करना चाहता है ये सिंध के खिलाफ बड़ी साजिश है। मैं उन पख्तून जो भी मारे गए हैं उनके खानदानों से तहजीब का इजहार, दिली हमदर्दी का अफसोस का इजहार करता हूँ और सिंध हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तहकीकत करके इन कातलों को गिरफ्तार करके इसी तरह अदालत के कटरे में लाया जाए जिस तरह रहीम शाह को लाया गया। सिंध बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है, हमें मोहतात रहने की।